बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। रात का टाइम है और आज सारा दिन इतना बिजी रहा कि व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगा। और अब चलो, हमने सोचा कि हम रात के टाइम बना लें व्लॉग। और बच्चे अभी अकेडमी पढ़ के गए हैं, 7 बजे का टाइम है और अब हम चाय वगैरह बनाने लगे हैं। और चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना ये आज का व्लॉग। रात का टाइम है और ये देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है और यहाँ बना रही मेरी सिस्टर चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय बना रही हैं आप? हाँ, चाय बना रही हूँ। आज सारा दिन जो है हमें ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा, तो सूट थे काफ़ी ज़्यादा, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर आज सारा दिन टाइम नहीं लगा ब्लॉग वगैरह बनाने का। चलो मैं रात टाइम ब्लॉग शूट कर देते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो है मैं चाय बनाने लगी हूँ, तो रात हो गई, बच्चे अभी कैट पढ़ के गए हैं, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। तो गैस तो वैसे भी बंद हो जाती है, तकरीबन आती है तकरीबन 15-20 मिनट रात टाइम, और दोपहर टाइम तो आती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गैस का मसला है। तो चाय वगैरह बना रही हूँ, और अम्मी जुबान आयत और बूट वगैरह जो है वो कमरे में है, हीटर वगैरह ऑन किया है, तो बस हीटर के आगे बैठे हुए हैं और ड्रामा देख रहे हैं। आज आप कॉफ़ी क्यों नहीं बना रही? तो कॉफ़ी ख़त्म हुई थी, कॉफ़ी लेके आनी है। अच्छा अच्छा। तो बाजार का चक्कर नहीं लगा, जैसे बाजार जाएंगे फिर बाजार से लेके आएंगे, तो फिर मैंने चलो चाय बना लेती हूँ आज। नेक्स्ट मंथ हम ग्रोसरी करेंगे फिर कॉफ़ी भी ले आएंगे। जाएंगे तो फिर लेके आएंगे। तो ठंड जो है वो तो है बहुत ज़्यादा, आगे तो बहुत ज़्यादा स्कूल में ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा वहाँ है भी खेत वगैरह इर्द गिर्द है ना। हाँ, स्कूल में भी दरख्त है काफ़ी। मुझे एक बात है, थोड़ी बच्चों को इतनी ज़्यादा ठंड लगती होगी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा लगती है ठंड, ठंड है ही बहुत ज़्यादा है। चाय भी बस हमारी बनने वाली है, आधी बन गई है, आधी रह गई है। दूध पत्ती है? हाँ, दूध पत्ती बना रही हूँ। अभी कहती आज ना बनाओ, मैं कहती कभी कोई बात ही बना लेते हैं, तो सिलेंडर बना लेते हैं, कभी गैस होता है कभी नहीं होता। और मैं अंदर देखती हूँ क्या कर रही है, अंदर अंदर कोई ड्रामे कर रहे होंगे कर रहे होंगे, मैं देखती हूँ अंदर वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी लेटी हुई थी, टीवी देख रहे हैं सब। हाँ, हीटर ऑन है। हाँ, नूर भी देख रही है। आयत सो गई है ना? आयत सो गई आज। आयत पता नहीं क्यों इतनी जल्दी सो गई है, बस सारा दिन खेल के थक जाती है। और माशाल्लाह जुहान जो है वो जाग रहा है। और जुहान इधर देखो, तरफ देखो, इधर सर्दी बहुत ज्यादा, सर्दी है बहुत ज्यादा, आज तो थोड़ी सी धूप भी नहीं। और मेरी सिस्टर ने ये बेड वगैरह सेट कर दिया है, और यहाँ मूवी देखी जा रही है। हीटर लगाने से जो कमरा है वो काफी गर्म हो गया है, और बिल्कुल भी कमरे के अंदर है ना ठंड नहीं है। और यहाँ देखिए, ये मैंने अलसी की पिन्नी जो है वो ला के रखी हुई है, अब मैं चाय पीऊँगी साथ में और पिन्नी खाऊँगी। और अब मैं जाती हूँ बाहर कि चाय कहाँ तक पहुँची है, चाय अभी तक बनी है कि नहीं बनी, मैं देखती हूँ। चाय अभी बन रही है, बस बनने वाली है। अच्छा, एक ना मेरी फ्रेंड की मुझे कॉल है शाम टाइम। अच्छा, तो मुझे कहती है कि ना नाने मुझे ना केक की और पिज़्ज़ा बनाने की ना पूरी रेसिपी मुझे जो है वो बताओ। तो मैंने कहा मैंने जो है अपने चैनल पे पहले अपलोड की हुई है ऑलरेडी, तो कहती है नहीं, मतलब मैंने देखी है वो वीडियो अच्छे तरीके से, तो कुछ सीखा है, लेकिन ना मुझे बीच में से कुछ पता नहीं चलता। तो मैंने कहा चलो किसी दिन आ जाना, तो फिर
सिखा दूंगी, तो आएगी फिर किसी दिन फिर उसको सिखाऊंगी मैं। तो अगर बाहर से बंदा ले पिज़्ज़ा वो तो फिर इतना महंगा पड़ता है, 1500 का, 1600, 2000 तक। बिल्कुल। अगर बंदा घर में बनाए तो एक तो साफ सुथरा बन जाता है, और ये है कि मतलब कि कम पैसों में जो है वो आप आसानी से बना सकते हैं घर में। तो ओवन में भी बना सकते हैं, पतीले में वगैरह में बना सकते हैं, लेकिन पतीले में मैंने कभी बनाया नहीं है, मैंने तो ओवन में बनाया है पिज़्ज़ा। तो ओवन में जो है वो अच्छे तरीके से जो है बेक वगैरह हो जाता है, चाय बस मेरी बनने लगी है, अब कप्स वगैरह में डालती हूँ चाय। चाय तैयार हो गई, चाय टाइम, चाय टाइम, चाय टाइम बना ली है। पूरे आज सो गई है? ओहो, अम्मी चाय पी लें, एक ब्लैक कलर ब्लैक कलर। चलो जी, खा लिया आपकी भी चाय, अभी नूर आपको भी देती हूँ, अभी अपनी भी उठा लो। आज तो सो गई है ना? हाँ ये तो है। ये हाँ भी आपका कप है और मेरा है, और साथ में ये देखो हमारा अलसी वाला लड्डू पड़ा हुआ है। हाफ तुम्हारा है हाफ मेरा है। ठीक है, मेरा फुल तुम खा लो। नहीं नहीं फुल नहीं खाऊंगी, हाफ ही खाऊंगी। बिल्कुल। जुहान तो खेल रहा है ना? जुहान खेल रहे हैं, जुहान खेल रहा है, खेल रहे हैं। और चाय हमने पी ली है, और बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनाई मेरी सिस्टर ने। और अब मैं अपनी इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप को मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आए। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।